हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल अपना इंश्योरेंस वाला। हेलो फ्रेंड्स, कई बार कोई इंश्योरेंस एडवाइज़र जब हमसे मिलता है और इंश्योरेंस लेने की सलाह देता है तो हमारे मन में आता है कि अभी इंश्योरेंस लेने की क्या ज़रूरत है, अभी मेरी एज तो बहुत कम है। हम सोचते हैं कि अभी तो मैं कई चीज़ों पर खर्चा कर लूँ, अच्छे अच्छे कपड़े पहन लूँ, अच्छी बाइक में घूम लूँ, मौज मस्ती वाली लाइफ जी लूँ। इंश्योरेंस तो बाद की बात है, अभी तो लाइफ शुरू हुई है, अब इन सब की अभी ज़रूरत ही क्या है, अभी इंश्योरेंस लेने की आखिर ज़रूरत ही क्या है। सबसे पहला सवाल है कि इंश्योरेंस आपको कब लेना चाहिए। आपको जब भी आपकी पहली रेगुलर इनकम आपकी स्टार्ट होती है तभी से शुरू कर लेना चाहिए। चाहे इनकम कितनी भी हो, आपकी इनकम चाहे कितनी भी कम हो, चाहे दो ट्यूशन से ही आपकी इनकम क्यों ना आती हो, लेकिन आपको तुरंत इंश्योरेंस ले लेना चाहिए। तो दूसरा सवाल है कि हम इंश्योरेंस कितने का लें। तो आप शुरुआत में कम प्रीमियम से भी शुरू कर सकते हैं, जैसे कि आप अपनी मंथली इनकम का 15-20% बचत कर सकते हैं। अब क्योंकि आपको 20% की सेविंग करनी है तो आप बजट बनाएं, इससे आपको सेविंग की हैबिट भी डेवलप होगी, साथ में बजट बनाने के कारण आप अपने खर्चों को सही तरीके से बांट पाएंगे, जिससे आप अपने इनकम को अपने पैसे का वेस्टेज बहुत कम करेंगे। कम एज में इंश्योरेंस लेने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आपको इंश्योरेंस बहुत सस्ता मिलता है। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है आपको इंश्योरेंस महंगा मिलता है, और एक एज के बाद आप चाहकर भी इंश्योरेंस नहीं ले पाते हैं क्योंकि आपकी इंश्योरेंस के लिए ओवर एज हो जाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी एज में हम कौन सा प्लान लें। फ्रेंड्स, सबसे पहले आप पेंशन या रेगुलर इनकम प्लान लें, जिसमें आपको 15 से 20 साल के बाद रेगुलर इनकम आने लगेगी, जैसे कि LIC का जीवन उमंग टेबल नंबर 945, जिसमें 15 साल बाद ही आपको रेगुलर इनकम आने लगती है। सोचिए, अगर आप 18, 19 या 20 साल का ये प्लान ले लेते हैं तो आपको 35 साल की उम्र से ही एक्स्ट्रा इनकम आने लगेगी, साथ ही साथ आपकी फंड वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। तो इस प्लान की पूरी जानकारी के लिए आप अपने किसी भी LIC एजेंट से मिल सकते हैं। इसी के साथ इसी समय एक मनी बैक प्लान भी आप ले सकते हैं, जिसमें आपको 5 साल, 10 साल, 15 साल या 20वें साल में पैसा वापस मनी बैक वापस मिलता है। तो जब आप 25 के होंगे और आपको जो पैसा वापस मिलेगा उसे आप अपनी मनचाही कार ले सकते हैं, और जब आप 35 के होंगे तो आप अपने हनीमून को प्लान कर सकते हैं। यानी हर एज में, हर 5 साल के एज के गैप में आपको जो पैसा मिलेगा उस पैसे से आप अपने खर्चों की, एक्सपेंसेस की प्लानिंग कर सकते हैं। अगर आप 30 से 35 साल के एज ग्रुप के हैं और मैरिड हैं और आपके 2 बच्चे हैं, तो सबसे पहले आप जीवन लक्ष्य टेबल नंबर 933 या जीवन लाभ टेबल नंबर 936, जिसमें टर्म 25 साल का हो, वो लें, जिससे उनकी एजुकेशन और मैरिज के लिए आप एक फंड अरेंज कर सकते हैं। और अगर किसी व्यक्ति के बच्चे 10 से 12 साल के हो गए हैं तो जीवन लाभ लें, जिसमें ऑप्शन 10, 16 और 15 किस आप ले सकते हैं, ताकि आप अपने बच्चों की अच्छी एजुकेशन और उनकी मैरिज की अच्छी प्लानिंग कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड प्रेस द बेल आइकन।